हमें प्यार हो गया तुमसे। किस कर सकते हैं? ठीक है, कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। क्यों, अब मन नहीं है? नहीं मन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस के डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत गिरेगी, काइंड मास्टर। अगर आपके पास विदाउट वाटरमार्क वाली काइंड मास्टर नहीं है तो यहाँ पर देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दी हूँ, आप वहाँ पे से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस के साइन में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर से आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको जिस भी किसी वीडियो का वीडियो बनाना होगा तो उसको सिंपली यहाँ पर से आपको वो वाली जो वीडियो होगी आपकी उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाली जो आपकी वीडियो होगी उस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर एडजस्टमेंट मिल जाएगी, यहाँ पर चले जाना और इस तरीके से आपको जूम कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको रख देना है, इसके बाद इस इक्वल टू के साइन पर क्लिक कर देनी है, इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको इसकी विग्निटी ऑन कर देना है। विग्निटी ऑन करने के बाद यहाँ पे लेयर में चले जाना, उसके बाद इफ़ेक्ट्स पे चले जाना है, यहाँ पे बेसिक इफ़ेक्ट्स मिल जाएगी, यहाँ पर चले जाना है। फिर इसे इस तरीके से जूम कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना और इसकी रेशियो यहाँ पर से आपको 7:8 रख देना है, ठीक है। उसके बाद इसे एक्सटेंड कर देना है, आपको जितने सेकंड्स की वीडियो बनाने हैं उस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर से आपको लेयर में चले जाना है, उसके बाद मीडिया में चले जाना है। अभी आपको फिर से वही वाली जो आपने वीडियो बना ली थी वही वाली आपको वीडियो ले लेनी है, ठीक है। लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए आपको इसे रोटेट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस तरीके से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको क्रॉपिंग मिल जाएगा बाजू में, इस तरीके से आपको यहाँ पे से क्रॉप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे एनेबल कर देना और यहाँ पे शेप पे जाना और यहाँ पे से स्क्वायर शेप को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर से आपको इसे क्रॉप कर लेना है कुछ इस हिसाब से। उसके बाद ये वाली जो आपकी वीडियो होगी उसे यहाँ पर रोटेट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर के जो पार्ट है वो प्रॉपरली क्रॉप नहीं हुई है, तो आप इसे इस तरीके से क्रॉप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो आपको 10 सेकंड्स के बनाने हैं, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली जो आपकी वीडियो है यहाँ पर 10 सेकंड्स तक आ जाना, उसके बाद यहाँ पर से आपको इसे सीजर पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर देखिए और इसे स्प्लिट हैज प्ले हेड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो रिमेनिंग वीडियो के पार्ट्स होंगे उसको यहाँ पर फ्रंट पे ला देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम प्रोसेसर यहाँ पर इस वीडियो पे क्लिक कर देना है, इस सीजर वाले इफेक्ट पे क्लिक कर देना और इसे स्प्लिट कर देना और यहाँ पर आपको फिर से ये वाली जो पार्ट है उसको यहाँ पर नीचे की तरफ ला देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने जो बाकी के जो वीडियोस थे उसे यहाँ पे से ट्रिम कर दिए हैं और यहाँ पे नीचे के साइड पे ला दिए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके जो ये ऊपर वीडियो रखी हुई है उसमें यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए हैं, तो आपको सिंपली ये वाली जो वीडियोस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे नीचे के साइड में रख देना। उसके बाद फिर से आपको ये फर्स्ट वाली जो वीडियो थी उस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर नीचे के साइड में रख देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए आपको इसे अच्छे से एडजस्ट कर देना है अपने सारे वीडियोस को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे 3 लेयर्स वाली वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट वाली वीडियो है हमें यहाँ पे 10 सेकंड तक ही चाहिए, तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसे यहाँ पे से ट्रिम कर देंगे और यहाँ पर ये जो सारे वीडियोस में सॉन्ग होंगे वो सारे वीडियोस के सॉन्ग को हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली वीडियो है उसकी आपको सॉन्ग को रहने देना है। तो यहाँ पर देखिए जो 3 लेयर्स वाली वीडियो है हमारी वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसे एक बार प्ले करके दिखाती हूँ, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम 3 लेयर्स वाली वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।